यहाँ पे किसान साथियों कई बार हम अच्छी पैदावार पाने के लिए बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे हमें फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ जाता है आज की वीडियो में हम चर्चा क्या करेंगे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारी धान की फसल गोभ अवस्था में जाती है तो गोभ या फिर गबोड अवस्था जिसको हम बोलते हैं इस अवस्था में हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कौन सी हमें गलती नहीं करनी चाहिए इस गलती से हमें नुकसान हो सकता है तो आज की वीडियो में हम वही गलती आपको बताएंगे और अच्छा पैदावार पाने के लिए इस समय हम क्या कर सकते हैं यानी गोब अवस्था की सही से देखभाल कैसे करें इस विषय पे कंप्लीट जानकारी आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है तो पूरा वीडियो किसान भाइयों जरूर देखिएगा कोई भी आपके मन में सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और एस फार्मिंग चैनल की अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं गोब अवस्था में क्या गलती नहीं करनी है कौन सी सावधानी बरतनी होती है ये जानते हैं। अब किसान साथियों गोब अवस्था कहते किसे हैं? गोब अवस्था का मतलब यह होता है कि इस समय आपके पौधे के तने के अंदर बालियां बनने का शुरुआत हो जाता है तो शुरुआती अवस्था को हम गोब अवस्था बोलते हैं जब बालियों का निर्माण स्टार्ट होने वाला होता है तो यहाँ पे किसान साथियों आप इस अवस्था में क्योंकि आपके पौधे को कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ों चाहिए होती है जैसे नमी सबसे पहले नमी आपको हमेशा याद रखना है कि इस अवस्था में नमी होनी चाहिए भले ही आप कोई खाद ना डाल पाए हो चल जाएगा लेकिन नमी यानी पानी की कमी अगर हो जाएगी तो नहीं चलेगा पानी की कमी की वजह से आपके दाने बालियां ये सब पतली कमजोर छोटी रह जाएंगी और कई बार दाने के अंदर चावल भी कम बन पाता है आपके ज़्यादा दाने फरहा हो जाते हैं खाली रह जाते हैं तो नमी अति आवश्यक होती है आपके पौधे में उचित विकास के लिए हमारे पौधे को खादों के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता पड़ती है इसके साथ साथ सूरज की रोशनी की भी आवश्यकता पड़ती है हवा की आवश्यकता पड़ती है और पानी ये मतलब तीन चार चीज़ें काफ़ी अहम होती है तो नमी भी काफ़ी अहम होती है पौधे के अच्छे विकास के लिए और जब बालियाँ बनना नीचे चालू होती हैं तने के अंदर तब पानी की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इस अवस्था से लेकर जब तक दाने सही से भर ना जाए दाने के अंदर चावल ना जाए जब तक आपके दाने सुनहरे रंग के ना हो जाएँ तब तक खेत में नमी होनी चाहिए उसके बाद हमारी फसल जो है वो पकने की तरफ बढ़ जाती है तो यहाँ पे पहली सावधानी क्या बरतनी है नमी आपको बना के रखनी है दूसरी सावधानी अब कई किसान साथी जब देखते हैं कि हाँ बालियां तने के अंदर बनना चालू होने लगी हैं गोब अवस्था आ गई है तो इस अवस्था में यूरिया डाल देते हैं या फिर कुछ मान लीजिए दो चार बालियाँ दिख गई कि हाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं तब यूरिया डाल देते हैं अब यहाँ पे आप ही बताइए नाइट्रोजन का काम ही नहीं होता है इस अवस्था में कोई ज़्यादा नाइट्रोजन जितना भी पौधे को चाहिए होता है वो हमने मिट्टी में अब इस्तेमाल कर दिया होता है और मिट्टी से वो तत्व तो लेते रहते हैं अब यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन आपको चाहिए ही नहीं होता है पौधे को तो आपको देना क्यों है अब यूरिया बहुत सारे किसानों साथी गोब अवस्था में डाल देते हैं सोचते हैं बालियाँ सही से निकलेंगी लेकिन होता है इसके उल्टा जब आप यूरिया गोब अवस्था में डालते हैं नुकसान क्या होता है पहला नुकसान ये होता है कि बाल इस समय आपके जो पौधे होते हैं बालियों का विकास करते हैं मतलब गोब अवस्था में बालियों का निर्माण होता है इस अवस्था में अगर आप नाइट्रोजन डालते हैं यूरिया डालते हैं तो आपके पौधे पुनः से अपने बढ़वार में ध्यान देने लगते हैं मतलब पौधे की हाइट बढ़ जाती है अब जब पौधे की हाइट बढ़ेगी लंबाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से आपकी फ़सल के गिरने की संभावना भी बढ़ जाएगी जब आपकी फसल गिरेगी तो आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। फसल गिरने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो तो आपको पता होगा कई बार हमारे दाने हमारी पूरी फसल ही ख़राब हो जाती है मान लीजिए ज़्यादा पानी भरा हुआ है फसल गिर गई आप क्या कर सकते हैं ना तो आप अपनी कच्ची फसल को काट सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत नुकसान होता है जब हमारी फसलें गिर जाती हैं तो यूरिया डालने से लंबाई ज़्यादा होगी जिससे फसल गिर जाएगी और दूसरा नुकसान ये भी होगा कि अवस्था में अगर आप नाइट्रोजन डालते हैं यूरिया डालते हैं मिट्टी में तो आपकी फसल में बीमारियों का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है बीमारियाँ ज़्यादा आ सकती हैं तो यहाँ पे यूरिया आपको डालना ही नहीं है जितना भी आपको यूरिया डालना था पचास दिन या फिर अधिकतम पचपन दिन तक आपको धान में डाल देना होता है मतलब रोपाई के पचास दिन के भीतर सभी यूरिया की मात्रा यहाँ तक कि सभी दानेदार खाद आपको डाल देना होता है पचास दिन के बाद हम कोई भी दानेदार खाद अपने धान की फसल में प्रयोग ही नहीं करते हैं जितना डालना होता है सब पचास दिन के अंदर जैसे पचास दिन के अंदर आपको पोटास हो गया पोटास भी हम दो बार डालते हैं अंतिम बार हम वही चालीस पचास दिन पे साथ में यूरिया तीस से चालीस किलो साथ में पंद्रह से बीस किलो पोटास डालते हैं तो यहाँ पे पोटास अगर आपको नहीं पता है कितना पोटास कब डालना है कितना यूरिया कब डालना है नीचे कमेंट करिए उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूरिया आपको गोब अवस्था में नहीं डालना है इस बात का ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ बहुत सारे किसान साथी कुछ और गलतियाँ भी करते हैं क्या गलतियाँ करते हैं जैसे कुछ खादें होती हैं जो हमें डालना होता है गोब अवस्था में ही यानी जब बालियाँ बनना चालू होती हैं तो कुछ खादों का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे सबसे ज़्यादातर किसान साथियों को पता होगा कि जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं तो हम डालते हैं एन पी के जीरो बावन चौंतीस अब एन पी के जीरो बावन चौंतीस में होता क्या है जीरो प्रतिशत नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन नहीं होता है बावन प्रतिशत चौंतीस प्रतिशत पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है तो फास्फोरस और पोटास पाया जाता है सबसे पहले आप जानिए इस्तेमाल कब करना है इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं कि हाँ दो चार परसेंट बालियाँ आपके बाहर आ गई तब करिएगा तब लाभ नहीं मिलेगा इसका जो काम होता है बालियों के निर्माण से ही संबंध में होता है तो मान लीजिए जब बालियाँ बन जाती हैं उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई ज़्यादा काम विशेष बचता नहीं है डालेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन सही समय होता है जब आपके पौधे के तने के अंदर बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं शुरुआती समय में ही आपको गोब अवस्था के डालना होता है ना कि बालियाँ निकलते समय डालना होता है तो यहाँ पे भी गलती करते हैं कि आप कुछ बालियाँ निकलें दो चार बालियाँ तब आपने जो बाउंड चौंतीस डाल अब आपको कैसे पता चले कि कौन सा शुरुआती समय है कौन सा बाद वाला समय है तो बाद वाला समय तो हाँ बालियाँ निकल आती हैं तो आपको पता ही चल जाता है लेकिन जो शुरुआती समय होता है सभी किस्मों में कोई निश्चित टाइम नहीं है कुछ किस्मों में जल्दी आ जाता है तो कुछ किस्मों में देर में आता है मान लीजिए कोई वरायटी सौ दिन में ही तैयार हो जाती है उसमें समय जल्दी आएगा और मान लीजिए कोई वरायटी एक सौ दिन में तैयार होती है तो उसमें यह समय देर में आएगा तो आपको कैसे देखना है आप अपने खेत में जाइए आप अपने धान के पौधे के तने को देखिए तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगे तने में थोड़ा सा गोलाई आने लगे आपको फ्लैग लिप ऊपर एकदम सीधी सीधी दिख जाएगी तो आप समझ लीजिए कि हाँ तने के अंदर बालियाँ बनना चालू होने लगी हैं अब आप चाहें तो कोई एक पौधा बीच से मतलब फाड़ के देख सकते हैं तो अंदर आपको बहुत छोटी सी बाली भी नज़र आ जाएगी तो ठीक इसी अवस्था में जीरो बाउंड चौंतीस का इस्तेमाल करना होता है जिससे बालियों का निर्माण सही से होता है बालियों के अंदर दाने का भलाव बाद में सही से होगा दाने हेल्दी स्वस्थ आते हैं मोटे लंबे आते हैं जिससे अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना बढ़ जाती है तो जीरो बाउंड चौंतीस कब डालना है गोब अवस्था में बालिया बनने की शुरुआती अवस्था में डालना होता है कितना डालना है एक से लेकर डेढ़ किलो एकड़ खेत में आपको इसका इस्तेमाल किसान भाइयों को करना है अच्छा लाभ मिलता है अब यहाँ पे इसी अवस्था में हम एक दूसरी खाद भी डालते हैं उसका नाम है बोरोन किसान साथियों बोरोन काम क्या करता है अगर हम जाने बोरोन काम क्या करता है तो बोरोन के तो बहुत सारे कार्य होते हैं सबसे अहम काम होता है बोरोन आपके पौधे के जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है मतलब पौधे की जड़ें जो भी अपना भोजन बनाती है उस भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है मतलब जैसे आपने कोई खाद डाला मिट्टी में आपने धान की रुपाई में पहले डाला ही होगा तो वो खाद आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाएगा बोरोन आपने सिंचाई किया तो वो पानी आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाएगा बोरोन तो बिना बोरोन के पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा तो बोरोन काफ़ी अहम तत्व होता है तो यहाँ पे बोरोन डालने से एक फ़ायदा और होता है पोलिनेशन जिसको हम प्रागढ़ बोलते हैं सही से होता है जब हमारी फसलों में प्रागढ़ सही से होगा तो धान के दाने के अंदर चावल का निर्माण भी सही से होगा अगर प्रागढ़ सही से नहीं होता है तो चावल हमारे मतलब धान जो है हमारे खाली रह जाते हैं जिसको हम फलहा धान बोल देते हैं तो यहाँ पे फलाहा धान हो जाता है ज़्यादातर दाने आपके भर नहीं पाते हैं जिससे भी उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिल जाती है तो बोरोन तो पराग नली का निर्माण करता है पराग नली क्या होती है जहाँ पे आपके फ्लावर्स आते हैं उसके अंदर की जो नली होती है उसको हम पराग नली बोलते हैं तो जब पराग नली का निर्माण करेगा तो फ्लावर्स अच्छे आएंगे यहाँ पर फ्लावर्स में भी मजबूती लाता है मेल फीमेल फ्लावर्स जो आते हैं उसमें मजबूती लाता है जिससे उनका मिलाप सही से हो पाता है जब फ्लावर्स का मिलाव सही से होगा तो दाने का विकास सही से होगा बीज का निर्माण सही से होगा तो आपके ज़्यादातर दाने में अंदर आसानी से चावल आ पाएगा तो यहाँ पे बोरोन यही काम करता है तो यहाँ पे जो बोरोन आता है 20 प्रतिशत वाला 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से जब आप जीरो बावन चौंतीस का इस्तेमाल धान में करते हैं बालियाँ आने से पहले ठीक उसी समय आपको बोरौन खाद का भी इस्तेमाल कर देना होता है अब यहाँ पर कुछ किसान साथी ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि हम क्या बोरोन जब हम बाालियाँ निकल आती हैं तब भी डाल सकते हैं मतलब बालियाँ आने के बाद क्या हमें बलौन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है किसान साथियों बोरोन का इस्तेमाल आप धान की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं लेकिन सबसे जो बेस्ट टाइम होता है एक तो आप कल्ले निकलते समय डाल सकते हैं लगभग पच्चीस दिन तीस दिन पे और दोबारा से आपको डालना चाहिए मान लीजिए आपने पहले बार ना डाला हूँ कोई बात नहीं ज़्यादातर किसान साथी बोरोन का इस्तेमाल धान की फ़सल में बालियाँ निकलने से पहले ही करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि जब आप बालियाँ निकलने से पहले डालेंगे बोरोन तब बालिया का निर्माण होगा तब आपके पदाग नली का निर्माण होगा उसके बाद में फॉलिंग आएगी उसके बाद में पोलिनेशन होगा अब जब धान की फसल में बालियाँ बाहर निकल आती हैं फ्लावरिंग हो जाती है पोलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद बोलोन का कोई बहुत ज़्यादा विशेष काम बचता तो है नहीं आपको बोलोन क्यों डालना है क्योंकि आपके दाने का भराव सही से हो पराग नली का निर्माण सही से हो अब जब आपका ये सब प्रक्रिया पहले से ही हो गई है बाद में डालने से तो कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं तो इसलिए इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले ही आपको किसान साथियों करना होता है तभी आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बोरोन 20 परसेंट वाला 100 से 125 ग्राम साथ में जीरो बाउन चौंतीस एक से डेढ़ किलो बालिया आने से पहले ही आपको किसान साथियों गोब अवस्था में इस्तेमाल कर देना चाहिए कई बार हमने देखा है कि जब हमारी धान की फसल गोब अवस्था में आती है तो थोड़ा बहुत पीलापन भी दिखने लगता है पत्तियों में तो पीलापन किसी भी अवस्था में दिखता है हमें नुकसान ही पहुँचाता है तो मान लीजिए पत्तियों में पीलापन दिखता है गोब अवस्था में तो आपको दो किलो दानेदार यूरिया का घोल बना के जब आप जीरो बाउंड चौंतीस डालते हैं जब आप बोरोन डालते हैं उसी के साथ में आपको इसका भी छिड़काव कर देना है इससे नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी आपको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे दो किलो ही आप आपको यूरिया डालना है साथ में जीरो बाइन्ट चौंतीस साथ में बोरोन डालना है यूरिया तभी डालना है जब आपको पत्तियों में पीलापन दिखे अन्यथा यूरिया का इस्तेमाल मत करिएगा इसके साथ के साथ किसान जब बालियाँ निकल आती हैं दाने भरते समय आपको जीरो जीरो पचास एन पी के का इस्तेमाल कर देना है इसमें पचास परसेंट पोटेशियम सत्रह पॉइंट पाँच प्रतिशत सल्फर पाया जाता है इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास जो अंदर हुआ है उसके अंदर जो दाने का भराव होगा सही से होगा मतलब दाने के अंदर चावल अच्छे से बन पाता है जिससे आपके ज़्यादा दाने खाली रहने वाली समस्या नहीं होती है तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है अगर आप इतनी सावधानी बरत देते हैं तो आप भी धान में अच्छा पैदावार ले पाएंगे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे अच्छी बालियाँ मोटी लंबी बालियाँ आएंगी और अच्छा बेहतर उत्पादन आपको मिलेगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना और एस आर जे फार्मिंग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद